अध्यक्ष जी, पहले बार सदन में बोलने का मौका मिला, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आसाम से हूँ, मेरा कार्यक्षेत्र मेरा लोकसभा समस्ती। माननीय सदस्य आपस में नहीं, माननीय सदस्य श्रीमती चटर्जी, माननीय सदस्य अध्यक्ष जी, पहले बार सदन में बोलने का मौका मिला है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आसाम मंगलदेई लोकसभा क्षेत्र से आया हूँ। मंगलदेई अपना डिस्ट्रिक्ट, मंगलदेई दरंग डिस्ट्रिक्ट और उदालगुरी दोनों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। तो मंगलदेई जो शहर है, मंगलदेई जो टाउन है, वो करीब 17 किलोमीटर NH-15 के अंदर से होकर के गुजरते हैं। अभी तक उसमें कोई हाईवे में बाईपास का कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। इसके कारण रोज मंगलदेई टाउन में, शहर में रोजाना 3-4 ऐसा दुर्घटना होता है जिसमें 1-2-3-4 लोगों का मौत हो जाता है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस विषय को अगर माननीय मंत्री जी, भारत सरकार ध्यान में लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए तुरंत बाईपास बनाने का कार्यवाही शुरू किया जाए, तो मेरे मंगलदेई के जो करीब 50,000 लोग मंगलदेई शहर में बसते हैं, उनके लिए बहुत ही सुविधा होगा। बहुत बड़े बड़े स्कूल्स है, बड़े नेशनल हाईवे है, बड़े बड़े ट्रकों का आवागमन होता है। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ, मंगलदेई शहर से बाईपास का निर्माण तुरंत शुरू करें। दूसरा, मेरा 377 में विषय बोलूंगा, लेकिन रेल नेटवर्क में भी उस मेरा क्षेत्र जुड़ा नहीं है। वो विषय में अगर आप मौका देंगे महोदय, मैं 377 बोलूंगा। तो मेरा विषय है नेशनल हाईवे 15 में बाईपास बनाया जाए जल्द ही जल्द।